हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे राउरकेला का न्यू एयरपोर्ट के बारे में। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा हॉकी वर्ल्ड कप की वजह से बहुत सारा काम चल रहा है हमारे राउरकेला में, एंड मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं हो पा रहा था आप लोगों को अपडेट देने के लिए। तो फाइनली आज मैं टाइम निकाल के आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए दैट की एयरपोर्ट में कितना क्या काम हुआ है। एंड ये जो स्टैचू आप लोग बाकी लोगों के वीडियो में देख रहे होंगे अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये अभी ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है ना। कलर वलर भी हो गया, स्टेबल भी हो गया, ये देख लो। तो बस अभी मैं से जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम चल रहा है, फुल्ली प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग में बने रहिए एंड देखिए मैं आप लोगों को क्या क्या शेयर करती हूँ। सो गाइस, आज के ब्लॉग में टेक्निकली मैं आप लोगों को नाइट व्यू ऑफ हमारा राउरकेला का एयरपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। एंड सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं नाइट व्यू शेयर करने के लिए मतलब शूट करने के लिए गई नहीं थी, मैं आउट ऑफ राउरकेला थी। तो मेरे एक फ्रेंड वहाँ पर रहता है, मैं उसको बोली थी शूट करने के लिए, एंड मैं ये उनका क्लिप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्या ही बताओ, छोड़ो जाने दो। आई होप कुछ लोग समझ रहे होंगे, जो लोग समझदार होंगे डिस्कशन नहीं करना ही ज़्यादा बेटर। एनीवेज, हम लोग ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, राउरकेला का मैं कुछ दिन पहले एयरपोर्ट का वीडियो बनाई थी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, सपोर्ट किया, थैंक्स अ लॉट। एंड हम लोग बहुत जल्दी 30 के हिट करने वाले हैं, तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब, हम लोग जैसे कि न्यू ईयर से पहले 30 के हिट कर जाए। तो गाइज, राउरकेला का एयरपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, एकदम डन एंड डस्टेड। आप लोगों को बैकग्राउंड से दिख रहा होगा कलर हो चुका, लाइट्स लग चुके हैं, ग्रास लग चुके, एकदम रोड चकाचक हो चुका है। स्पेशली गाइस, टर्मिनल का जो बिल्डिंग है ना वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को टेक्निकली वो दिखाने वाली हूँ कि टर्मिनल बिल्डिंग का कितना क्या काम हुआ है, एंड उसका अंदर का इंटीरियर कैसा है, पार्किंग एरिया कौन सा है। एंड गाइस, इसी बीच में बहुत जल्दी अपना फ्लाइट भी स्टार्ट होने वाला है। ऑल क्रेडिट गोज टू आर गवर्नमेंट, RMC एंड वर्ल्ड कप की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। बस भगवान करे इस चीज़ कंटिन्यू रहे, दैट कि हम लोग इस मतलब इस चीज़ को मेंटेन करके हमारा राउरकेला में जो एयरपोर्ट ओपन हुआ है उसके हम लोगों को भी प्रॉफिट हो। पहले तो बस ऑफिसर्स के लिए, जो लोग काम करते थे सेल में उनके लिए था, बट अभी नॉर्मल पब्लिक के लिए ही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली राउरकेला टू भुवनेश्वर, राउरकेला टू दिल्ली, ये सब जगह चलने वाला है। फ्लाइट टिकट वगैरह का मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है, जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूँगी। एंड गाइस, काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि एयरपोर्ट चलेगा तो एयरपोर्ट चलेगा, तो गाइस इट्स आर ड्यूटी टू, मतलब क्या हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस चीज़ को नीट एंड क्लीनली रखें, एंड वर्ल्ड कप के बाद भी हम लोग इसको डेकोरेम इसका जो मेंटेन रखें। एंड गाइस, ये आप लोगों को रोड दिख रहा है ना, यहाँ पे जस्ट पार्किंग एरिया भी बनाया गया है, ये रहा जिसका टर्मिनल बिल्डिंग। तो चले भी चलते हैं अंदर, आप लोगों को दिख रहा होगा कि टर्मिनल बिल्डिंग जो है पूरा फुल्ली बन के रेडी हो चुका है। कुछ कुछ जगह पर बस मिट्टी वगैरह डल रहा है, वहाँ पर ग्रास डलेगा, यहाँ पर आप लोगों को पार्किंग के लिए बहुत अच्छा एरिया मिल जाएगा। एंड गाइस, ये जस्ट एयरपोर्ट के पास जो सर का, जो ध्यानचंद सर का जो स्टैचू बनाया ना, मेजर ध्यानचंद सर का स्टैचू, वहाँ पे इतना भीड़ रहता है, लिटरली मैं शाम को उस दिन आ रही थी उधर से, मतलब आप लोगों को ना खड़े होने के लिए भी वहाँ पे जगह नहीं मिलेगा। वो पार्क जो बन गया है ना, वो उसमें भी बहुत सुंदर डेकोरेट हो चुका है, मैं उधर भी दिखाऊंगी। वहाँ पे भी जो वाटर फाउंटेन लगे थे वहाँ पे भी कलर्स लग गया, तो वो भी हम लोग उधर धीरे धीरे जाएंगे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अभी चलिए थोड़ा सा धीरे धीरे अंदर चलते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग में पूरा ग्लास लगाया गया है, बहुत ही जैसे नॉर्मल एरोड्रम पे रहता है। मैं तो ज़्यादा वैसे ट्रैवल नहीं क्यूँ, मैक्स टू मैक्स एक या दो बार गई हूँ, वो भी सिर्फ झारसुगुड़ा टू रायपुर जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पे सब जैसे डिपार्चर वगैरह का टाइमिंग वगैरह आ रहा है, जैसे कौन सा ट्रेन कब आएगा कौन जाएगा, तो आराम से आप लोग आओगे, यहाँ पर आप लोगों को जाने के लिए बनाया गया है, फिर बैठोगे अपना टिकट कैरी करोगे, फिर जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है मैं कोशिश करूँगी वो भी आप लोगों के साथ सब कुछ अपडेट करने के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को पूरा प्रॉपरली दिख रहा होगा कि टर्मिनल, मतलब लिटरली जब मैं कुछ दिन पहले गई थी ना बिल्डिंग मतलब वीडियो बनाने के लिए राउरकेला एयरपोर्ट का, तब तक टर्मिनल बिल्डिंग मतलब प्रॉपरली इतना ज़्यादा रेडी नहीं हुआ था, बहुत सारे काम बचे थे लिटरली। बट अभी ऐसा ना कि वो प्रॉपरली एक रेडी हो चुका है, मतलब ऐसे कुछ नहीं कि कुछ काम बचा है, कुछ कुछ काम बचा है, जहाँ पे कुछ जगह पे लाइक कलर कचना करना बचा होगा, ग्रास डालना बचा होगा, या फिर उनका जो ऑफिशियल काम है, ग्राउंड स्टाफ है, एयर होस्टेस है, वो सबका कोऑर्डिनेट करना बचा होगा। एंड ये बस मिरर पे आप लोगों को अंदर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ से आप लोगों का लगेज जाएगा, जैसे कि लगेज ट्रांसफर होता है, वेटिंग हॉल बन गया है, वॉशरूम बन गया है, सारे चेयर्स भी डल गए हैं, आप लोग बैठ सकते हो। और अभी बहुत इजी हो जाएगा राउरकेला से कम्युनिकेट करना, ट्रांसपोर्ट करना, लाइक बहुत सारे जो लोग आउट ऑफ राउरकेला के हैं बट वो लोग राउरकेला के ही रहते हैं, उनको जाने आने के लिए बहुत दिक्कत होता था, तो अब बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा, ठीक है ना। और गाइज, वर्ल्ड कप के लिए ऑनलाइन टिकट रेडीम होना भी स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेरीज है। और अभी गाइस ऑफलाइन टिकट मिल रहा है, बट इंडिया के सिवा शायद किसी और का नहीं मिल रहा है। मैं टिकट अपना ला चुकी हूँ, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड भी ला दिया था और ला भी दी थी दोनों, मैं तो गई नहीं थी, तो मेरा टिकट ऑलरेडी रिडीम, सबका ऑनलाइन टिकट रिडीम होना स्टार्ट हो गया। प्लीज़ गो एंड कलेक्ट योर टिकट फ्रॉम
टिकट फ्रॉम गेट नंबर 6 एंड गेट नंबर 2। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्या ही दूँ, पिछले वाले वीडियो में मैं बता दी थी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे चेयर्स लगा है, वेटिंग हॉल आप लोग बैठ सकते हो। मेजर ध्यानचंद जी का जो स्टैचू बनाया गया है वो, उसका जो वेट हाइट वो सब मैं आप लोगों को अपडेट दे दी थी, वो सब भी दिखा दी थी। स्पेशली नाइट व्यू है कि हमारा राउरकेला का एयरपोर्ट जो है नाइट में कैसा दिख रहा है, मतलब राउरकेला का लिटरल यार माहौल ही चेंज हो गया कि लग ही नहीं रहा है कि ये हमारा राउरकेला है, वही पुराना राउरकेला है। एंड हाँ, मैं वीडियो में जो हमारा राउरकेला बोलते, कुछ लोग आके बोलते राउरकेला आपका है, ऑब्वियसली हम लोग राउरकेला के सिटीजन है तो ऑब्वियसली राउरकेला हमारा ही हुआ, इट्स अ कॉमन सेंस। एंड गाइस प्लीज़, अगर आप लोग किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ डीमोटिवेट करने टाइप का कमेंट भी मत क्या करना, इट्स फील सो वेरी लो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। आप अगर कुछ अच्छा करने जाओगे तो कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उसको लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है। हमारे राउरकेला के बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं, सब लोग अच्छे अच्छे अपडेट्स दे रहे हैं, सबको सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो। और बस ये जो ब्लॉग है, ब्लॉग में जो नाइट का व्यू है वो आप लोग एंजॉय करो। Thank you.
सो गाइस आप लोगों को यहाँ पे भीड़ दिख रहा होगा, कितने सारे लोग यहाँ पे आके फोटोज क्लिक कर रहे, इन्जॉय कर रहे, वॉक कर रहे, कुछ लोग रील बना रहे, ठीक है ना। ये एकदम माहौल बन गया है। और मैं जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, ये सब ग्रास जला नहीं था, वाटर फाउंटेन रेडी नहीं हुआ था। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि पूरे एरिया पर ग्रास प्रॉपरली डल गया है और वाटर फाउंटेन भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जो कि कलर चेंजिंग है। वहाँ पे लैवेंडर है, इस तरफ रेड है, और इधर एंट्रेंस पे ये देख लो सारे लाइट्स बहुत ही प्यारे डेकोरेट हो चुके हैं। मतलब ये कभी राउकला का एक न्यू जगह बन चुका है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का। मैक्सिमम टाइम इवनिंग के लोग यहीं पे आके टाइम स्पेंड करना पसंद कर रही है। मेजर ध्यानचंद जी का स्टैचू एंड उसके पीछे गाइस एक एरिया है जहाँ पे ओडिशा लिखा हुआ है, आप पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे। वहाँ पे भी इनफैक्ट लाइट लग चुका है, बट उस दिन जल नहीं रहा था, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से शायद नहीं जल रहा होगा, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट काम चल ही रहा है। काम तो कंप्लीट हुआ नहीं कि सब कुछ रेडी हो जाएगा, बस थोड़ा मोड़ा काम है, जो कि वर्ल्ड कप से पहले सब कुछ हो जाएगा। एंड हमारा राउकला में प्लेन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये देख लो यहाँ पे एक वाटर फाउंटेन, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास जा करके दिखाती हूँ, जो कि हल्का फुल्का कलर चेंज हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगा। और अपना वर्ल्ड कप तो 13 को है, हर वीडियो में जैसे बोलती हूँ हाउ इज़ द जोश, प्लीज़ कमेंट करके बताना काफ़ी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वर्ल्ड कप के लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यार बींग ए राउकलियन, ऊपर से हमारे राउकला के पास ही हो रहा है, ऊपर से घर के पास ही हो रहा है, तो जाना तो ज़रूरी है, जाना बनता ही है, डेफिनेटली हम लोग जाएंगे। बस आप लोग ब्लॉग में बने रहो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। तो चले गए आज के ब्लॉग कहीं पेंड करते हैं। होपफुली में से जितना हो पाया मैं आप लोगों को डिटेल्स में दिखा दी, पूरा राउकला का एयरपोर्ट का नाइट व्यू, नाइट टर्मिनल कैसा है, उसका जो छोटा सा पार्क बनाया गया है वहाँ पे कैसा है, कितना क्या काम हुआ है, सब कुछ मेरे से जितना हो पाया मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल में दिखा दी, वो भी मेरे फ्रेंड के वीडियो के थ्रू, वो मेरे को वीडियो शूट करके दिया था, तब जाके इतना हो पाया, सो थैंक्स टू हिम अगेन। तो बस ये देख लो, तो चले आज के ब्लॉग में एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।